चन्नी मंत्रिमंडल विस्तार की ये तस्वीरें ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और थोड़ी देर में पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पंजाब के नए मुख्यमंत्री सीएम चन्नी, उन्हें आज कुछ नए चेहरे, नई ताकत मिलेगी। कुछ नए चेहरे आज पंजाब के मंत्रिमंडल में नजर आएंगे और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने बागडोर संभाली है, क्योंकि पंजाब में भी आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कैप्टन अमरिंदर के खास से बागडोर लेकर यहां पर सीएम चन्नी के हाथों में ये पूरी बागडोर दी गई है पंजाब की। हालांकि कांग्रेस का ये अपना फैसला, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो नए चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में, उनके पास समय चूंकि कम है, लेकिन इस कम समय में वो क्या कमाल करके दिखा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये सीधे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर की तस्वीरें, थोड़ी देर में पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार। I request for permission of Honorable Governor of Punjab to begin the oath-taking ceremony. Now, I request Shri Brahm Mohindra to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister of Punjab. Now I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to Shri Brahm Mohindra as Cabinet Minister of Punjab. ईश्वर भी सोच सकता है कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री हो, जो मेरे विचार दिन ज्यादा जाएगा, मैंने ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से उसके कि अजहे कैबिनेट मंत्री हो, जो अपने कर्तव्य के ठीक निभाने लिए अजहे करना लोड़ीदा हो, मैं सीधे जा सीधे तौर पर ना दसा ना प्रेरित करना। मैं ब्रह्म महेंद्रा ईश्वर की सौंप चुकना कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निश्चय रखा है कि भारत की प्रभुता और क्षमता को बरकरार रखागा, कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्य को वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, और मैं भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून के अनुसारता में न्याय कराऊंगा। ब्रह्म महिंद्रा, उन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है और अभी आप बाकायदा तस्वीरें भी देख रहे थे,
और ब्रह्म महिंद्रा जो कि एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और ऐसे में एक नए मंत्रिमंडल का विस्तार, उस बाबत तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी उप मुख्यमंत्री, और उसके साथ ही 5 नए चेहरे भी चन्नी मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। और यहाँ पर आप जैसा कि देख भी सकते हैं, पंजाब की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पे मंत्री पद की शपथ दिलवाते हुए, और ऐसे में बताया जा रहा है कि लगभग 15 विधायक Now I request Honorable Governor to administer oath of office of secrecy to Shri Manpreet Singh Badal as Cabinet Minister of Punjab. Manpreet Singh Badal, मैं मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सौं करता हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता से अखंडता बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी से शुद्ध अंतरकरण ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। तो मनप्रीत सिंह बादल जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है, आपको बता दें कि मनप्रीत सिंह बादल इससे पहले भी कैबिनेट में थे और फिर से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उनके मंत्री पद की शपथ दिलवाई। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पंजाब राजभवन से नए चेहरों को लेकर चन्नी मंत्रिमंडल लोगों के बीच में 2022 में विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती, और इसी चुनौती के साथ देखना यह होगा कि जो एक सत्ता में जो नए चेहरों को शामिल किया गया है, जो बागडोर चरणजीत सिंह चन्नी के हाथों में सौंपी गई है, ये जो एक मौका भी कह सकते हैं, और मौका जो मिला है यहाँ पे चरणजीत सिंह चन्नी को, उस बाबत चुनौतियां कम नहीं है, और उन चुनौतियों से पार पाते हुए 2022 में किस तरीके से जनता का रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Vipin Rajinder Singh Bajwa as Cabinet Minister of Punjab. मैं श्रीमान राजेंद्र सिंह बाजवा, मैं श्रीमान राजेंद्र सिंह बाजवा ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज्य के कैबिनेट मंत्री जो अपने कर्तव्यों में वफादारी बाजवा ईश्वर की सहुं चुकता हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन किया जाएगा, जब मैं ज्ञात होगा ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको एक बड़ा झटका इस मंत्रिमंडल विस्तार के तहत,
हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो कांग्रेस नेतृत्व लगातार उन पर निगाह भी बनाए हुए था और कहा भी जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर के बिना कांग्रेस के लिए पंजाब जीतना मुश्किल होगा, लेकिन अब आखिरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए और चरणजीत सिंह चिन्नी को बाकायदा बागडोर सौंपी गई है और राजेंद्र सिंह बाजवा यहां देखिए सबका संबोधन स्वीकार करते हुए और अब मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। देखना यह होगा कि उनको मंत्रालय कौन सा श्रीमती अरुणा चौधरी टू कम अप ऑन स्टेज एंड टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब। Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shrimati Aruna Chaudhary as Cabinet Minister Punjab. मैं अरुणा चौधरी ईश्वर की सहु चुकदी हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगी, कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगी, कि मैं राज पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों नूं वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगी, और मैं पै या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारिता विच न्याय करांगी। मैं अरुणा चौधरी ईश्वर की सहु चुकदी हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा, मैं ज्ञान होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाय उसे कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगी ना प्रगट करांगी। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और इससे पहले भी पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्री रही हैं और उसके साथ साथ ही सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी इन्होंने अपने दौरान दिए थे। और एक बार फिर से पंजाब मंत्रिमंडल के सदस्य, हालांकि इस बार जो इनका कैप्टन का फेस है यानी कि चरणजीत सिंह कैप्टन होंगे इस मंत्रिमंडल के, साथ ही उनके दो सहयोगी भी यानी कि उप मुख्यमंत्री भी पंजाब में इस बार दो, और अरुणा सिंह चौधरी उन्होंने मंत्रिमंडल के इस लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। हालांकि इससे पहले भी पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अभिवादन स्वीकार करते हुए अरुणा चौधरी। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री सुखविंदर सिंह सरकारिया टू कम अप ऑन स्टेज एंड टेक ओथ ऑफ ऑफिस इन सीक्रेसी एज कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर टू एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस इन सीक्रेसी टू श्री सुखविंदर सिंह सरकारिया एज कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब। मैं सुखविंदर सिंह सरकारिया ईश्वर की सहु चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, और मैं भय या पक्षपात संदेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं सुखविंदर सिंह सरकारिया ईश्वर की सहु चुकदा हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नू सवाए उसके कि अजय कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजय करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या सीधे तौर से ना दसांगा ना प्रगट करांगा।
जी हाँ, सुखविंदर सिंह का सरकार क्या कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ ली है और ऐसे में कई चेहरों की वापसी भी देखने को मिली है। ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पंजाब राजभवन से। और ऐसे में बता दें कि 15 चेहरों को शामिल किया गया है, इनमें अभी जिन लोगों ने शपथ ली उसमें ब्रह्म मोहिंद्रा और साथ ही तृप्त राजेंद्र बाजवा, मनप्रीत बादल और उसके अलावा आपको बता दें कि अरुणा सिंह और साथ ही और भी कई चेहरे हैं और 5 नए चेहरे भी नजर आएंगे जो कि चेन्नई कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इन नई टीम के साथ कम समय में चेन्नई मंत्रिमंडल को कई चुनौतियों का सामना करना होगा और उसके साथ साथ देखना यह होगा कि सुखविंदर सिंह सरकारिया किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाते हैं। हालांकि वे मंत्रालय नाउ आई रिक्वेस्ट राणा गुरजीत सिंह टू कम अप ऑन स्टेज एंड टेक ओवर फॉर ऑफिस एंड सीक्रेसी एज कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर to administer oath of office and secrecy to Rana Gurjit Singh as Cabinet Minister, Punjab. मैं राणा गुरजीत सिंह ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखांगा।